हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दिल सेवा। और आज हम बात करेंगे देशभक्ति के बारे में। तो दोस्तों, ये जो नेशनल हॉलीडेज हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये हमें थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा मौका देती है इस टॉपिक पे बात करने का। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि पैट्रियोटिज्म है क्या, तो क्या वो फौजी जो सियाचिन की ठंड में खड़ा है और हमारे 135 करोड़ देशवासियों की ढाल बना हुआ है और पाकिस्तान से आने वाली या किसी भी दुश्मन देश से आने वाली ललकार को अपनी छाती पे ले रहा है, क्या वही पैट्रियोटिज्म है, या हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस देशभक्ति के बारे में? तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं श्योर हूं कि हम सबको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए देशभक्ति को। तो हमारे लिए क्या मायने हैं इस देशभक्ति के? ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें देश प्रेमी बनाते हैं? या मैं आप लोगों से पूछूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है इंडिया में जो आपको मोटिवेट करती है इस देश प्रेम के लिए। लेकिन जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करता हूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि सोसाइटी को ज़्यादा सर्व करना पेट्रियोटिज्म है। सोसाइटी को ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना, ज़्यादा लोगों की हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भावचाव के साथ सुनना, उनकी बातें समझना और एम्पेथाइज करना भी पेट्रियोटिज्म है। दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और बड़ी स्ट्रांग बात मानता हूँ कि अगर आपके पास पावर है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, होल्ड ना करें, ये भी अपने आप में एक देश प्रेम है। तो इस सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में, जैसे कि हमारा देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके बारे में बूस्ट फील करना, इसके बारे में प्रेम फील करना अल्टीमेटली लीड टू पेट्रियोटिज्म। कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी अच्छी है हमारे इंडिया में, और तो और कितने धर्म, कितने जाति हैं, उन सभी के प्रति प्रेम रखना भी अपने आप में देश प्रेम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों, मैं अगर इसको एक बात के साथ समराइज करने की कोशिश करूं, तो मेरी तरफ से मैसेज ये होगा कि आपका देश सही है तो उसको सही रखना पेट्रियोटिज्म है, और अगर आपका देश कहीं गलत है तो उसको भी सही करना देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म है। तो इस तरह अपनी इस देश की ओनरशिप लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शंस की। तो जो चीज़ें गलत हैं उसे ठीक करने की कोशिश करें, और जो ठीक है उन्हें ठीक रखने की कोशिश करें। तो देखते हैं इसी माध्यम से आज हमारे एंटरटेनर्स इस देशभक्ति को किस तरफ लेके जाते हैं। हाँ जी एंटरटेनर्स, तो क्या प्लान है आज का? थैंक यू डॉक्टर सौरव लखन पॉल, आपने मेरे को पहचान लिया होगा, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब भूस्वामी प्रोग्राम लेश के पेश हूं, पूछता है भारत। और आज हम बात करेंगे जिसके बारे में डॉक्टर जी ने बताया, 15 अगस्त के बारे में, आजादी के बारे में। तो आइए बात करते हैं आजादी और 15 अगस्त के बारे में। और हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, हमारे पॉलिटिशियन, बहुत बहुत स्वागत है पूछता है भारत। आपके शो का नाम होना चाहिए थूकता है भारत। लीजिए, बड़ा खुलासा से हमारे शो का नाम हो गया थूकता है भारत मेरे पे। लीजिए, और हमारे अगले पैनलिस्ट से मिलाते हैं जो है एक राइटर जिन्होंने आजादी पे कविता लिखी है, इनसे बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जो आपने हमें अपने शो में बुलाया। जी वैसे आपको कोई मुंह नहीं लगाता, हमने बुलाया, हमारा धन्यवाद होना चाहिए। जब बात करते हैं हमारे शो में, आई एक चलती फिरती लाश के बारे में पूछते हैं, वो क्या है? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें पूछ। अरे चुप कर और बात कर। सर मैं जी पढ़ 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 पढ़। अरे इतनी पढ़ पढ़ मत कीजिए, यहाँ पे खलारा पड़ जाएगा, हमारे पास स्वीपर नहीं है साफ करने के लिए। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके पास डायपर है, क्योंकि इतनी पढ़ पढ़ कर रहे हैं आप। सर मैं जी अपने पढ़ दादाजी की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, वो क्या थे? सर वो एक फ्रीडम फाइटर थे। रिस्पेक्ट है हमारे हमारे लिए उनके दिल में और हमारे दिल में उनके लिए। और आगे चलते हैं, हमारे पास आई हैं एक ग्लैमरस मॉडल जिनका हमारे हर शो में कोई काम नहीं होता, बस एक ग्लैमर खिलाने के लिए आती हैं, और इस बार ये ग्लैमर खिलाएंगे। और इसी के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसका नाम है अब से थूकता है भारत। और सबसे पहले पूछते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर से, आइए बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, शुरुआत करते हैं उनके पर दादाजी के बारे में। बताइए अपने दादाजी के बारे में। सर जी मेरे दादाजी ना माली थे। उन्होंने तुम्हारा माली थे तो उन्होंने कैसे अंग्रेजों के साथ फाइटिंग की, बताइए। सर उन्होंने एक अंग्रेज को मारा था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात हो गई, इन्होंने अंग्रेज को मारा, बताइए कैसे मारा उन्होंने अंग्रेज को। सर जी मेरे दादाजी से एक बार एक अंग्रेज आके
फूल मांगा उसने। ओ अच्छा अच्छा मैं समझ गया, फूल में जहर होगा और उसने फूल सूंघा और मर गया। नहीं सर, उसमें लगा था कांटा। अच्छा कांटे में जहर था। नहीं सर, कांटा लगा जी अंग्रेज के जोर से, उसको होगी टेटनस, टेटनस से मर गया जी। ओहो जी, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? ओ तेरे दादे से बड़ा तो वो गुलाब ब्रीडम बैटर हुआ, तेरा दादा कहाँ का ब्रीडम बैटर हुआ? सच्ची मैं कहता हूँ, इसके एक लगा दीजिए मेरी तरफ से। ब्रीडम बैटर, इसकी खुद की शक्ल देखो साला, जेट फाइटर बनकर बैठा है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे कई फेक फ्रीडम फाइटर हैं जो रिजर्वेशन लेते हैं, ऐसे लोगों पे थूकता है भारत। आगे बात करते हैं हमारे ग्लैमरस लेडी के बारे में जी। आप बताइए 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को 15 अगस्त होती है। अरे मैडम 15 अगस्त को 15 अगस्त ही होगी और 16 अगस्त थोड़ी होगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 अगस्त को होता क्या है, हुआ क्या था? उस दिन ना मेरे बुआ जी के बेटा हुआ था। वो आपके फुफ्फड़ को पता था कि आपके बुआ के बेटा हुआ है? मैडम जी उसकी बात नहीं कर रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि स्पेशल क्या था? उस दिन जो हमारे घर के पास मॉल है ना, वहाँ पे बहुत बिग सेल लगती है, बाय वन गेट थ्री फ्री। ओ मैडम उस सेल के बारे में ही बता दीजिए कुछ। उसमें ना एक ही झंडा होता है और एक ही झंडे में 3 कलर फ्री मिलते हैं। ओ मैडम जी उसको तिरंगा बोलते हैं, आपको इतना भी नहीं पता? ओ बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बार सेम कलर का पैटर्न ना दिया करें, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिया करें। ओ मैडम जी आपसे पूछना मेरी गलती हो गई, इसीलिए ऐसे फेक ग्लैमरस लोगों पर भी थूकता है भारत। आइए बात करते हैं जिनसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, जिनसे मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, शायद आपको भी सीखने को मिलेगा, हमारे राइटर के पास। जी आपने आजादी पे किताब लिखी, अपने बारे में बताइए। बिल्कुल जी, हमने आजादी पे किताब लिखी है। बहुत अच्छी बात है। इस किताब का नाम है आजादी के वो 7 दिन। वाह वाह, ये किस आंदोलन की बात है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये आंदोलन की बात नहीं, इसमें इस चीज का वर्णन है कि जब मेरी बीवी 7 दिन के लिए अपने मायके गई थी तो मैंने कैसे सुख का अनुभव किया। अरे आप कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं, हम देश की आजादी की बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ये भी तो आजादी की बात ही है। अरे उस बंदे से आजादी का महत्व पूछो जिसकी बीवी मायके गई हो 7 दिन के लिए। आपके कहने का क्या मतलब कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के मर्द आज भी गुलाम हैं? अरे चाहे हमारे देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश का मर्द पूरी तरह गुलाम है। अरे जब भी मर्द लोग हम काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर पहले जाते हैं, पीछे बीवी का फोन आ जाता है कि कब तक आओगे, किसके साथ जाओगे, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। हाँ और आते जो है केले टमाटर ले आना। अरे ये भी कैसी आजादी हुई, बाहर में चाहिए ऐसी आजादी, हमको नहीं चाहिए ऐसी आजादी। ऐसी आजादी की भी जरूरत है तो लीजिए, आइए मिलाते हैं हमारे राजनेता से, शायद ये कुछ बचा पाए 15 अगस्त और आजादी के बारे में। जी आप बताइए आजादी में और 15 अगस्त के बारे में। पहले तो जब हमारी सरकार बनेगी ना, इस राइटर भाई को मैं आजादी दिलवाऊंगा, इस राइटर भाई को नहीं सारे मर्दों को आजादी दिलवाऊंगा। एक ऐलान करना चाहता हूं कि 15 अगस्त को एक दिन के लिए सभी बीवियों से तलाक ले सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है लीडर साहब, क्या बात कर दी आपने यार, ये होते सच्चे, आप चुप रहिए, इनको बात करने दीजिए। और उस लेडी ने कहा था कि 3 रंग का तिरंगा मिलता है, मैं ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को जिता दो, हर 15 अगस्त को इनके सूटों के नाल के तिरंगे मैच कर फ्री देंगे, फ्री देंगे, फ्री देंगे। और सूटों के साथ सैंडल भी मैचिंग चाहिए, एयरिंग भी और लिपस्टिक्स भी। मैं आपके सभी चीजों का वर्णन अपनी इस किताब में करूंगा। कोई बात नहीं, मैं इनका पति बनने के लिए तैयार हूँ और मुझ पे थूकता है भारत। आप मेरे को 15 अगस्त के बारे में बताइए भाई साहब, 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त ये वो दिन है जब देश को आजादी मिलने वाली थी। आज के नौजवान बच्चों को इस बात का नहीं पता, इतने साल लग गए आजादी लेने के लिए। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त का इतिहास बताने के लिए सभी बच्चों को 10-15 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, 15 अगस्त 10-15 दिन के लिए मनानी जानी चाहिए। आप कुछ बोलना चाहें? ओ सर 15 अगस्त को हमारा संविधान रखा गया था। ओए चूहे, वो 15 अगस्त नहीं, वो 26 जनवरी थी यार। तो फिर 2 अक्टूबर को क्या हुआ था सर? फिटे तेनू पता नहीं 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? आपको
क्या था? 2 अक्टूबर को दृश्यम के अंदर अजय देवगन पंचम गया था और 3 को वापिस आया था। ये आजादी की बात हो रही है, यहाँ पे 15 अगस्त की बात हो रही है, ये पूछता है, थूकता है भारत। एक मिनट भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त आज के दिन सभी को दृश्यम फिल्म फ्री में दिखाई जाए। हमारी पार्टी की सरकार बना दो, 3 बजे से 5 बजे तक हर 15 अगस्त को दृश्यम दिखाई जाएगी। ये वो आजादी की बात हो रही है जब गांधी ने असेंबली के अंदर बम सिट्टा था। हाँ, भगत सिंह जब चरखा कतता था, ओहो क्या चरखा कतता था, क्या उसने आजादी दिलवाई। गांधी जब लंदन जाके डैर को गोलियां मार रहा था, वहां पर नारे लगे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओ सर, खून से याद आया जी, 15 अगस्त को हम रक्तदान कैंप भी करते हैं। ओ भाई साहब, आप रक्तदान करना नहीं तो आपको चढ़ाने के लिए हमारे सारे देश में खून कम पड़ जाएगा। अरे यार, आपने हमारे पूरी हिस्ट्री का मिक्स वेज बना दिया, तो पूछता है भारत में एक नया क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि आप सब अपना 15 अगस्त कैसे मनाते हैं। और आप जो देख रहे हैं, आप भी बताइए कमेंट्स में कि आप अपना 15 अगस्त कैसे मनाते हैं। पूछते हैं इनसे जी, बताइए आप अपना 15 अगस्त कैसे मनाते हैं। सर, 15 अगस्त को मैं खून दान करता हूं। अरे भाई साहब, इतना खून मत दीजिए, नहीं तो आप में कम रह जाएगा जी, आप बताइए। अरे मैं जानता हूं, ये मेरे घर के पास ही रहता है। अरे पिछली बार 15 अगस्त में खून देने गया तो डॉक्टर ने जरा सी सुई लगाई और साथ में बेहोश हो गया, और डॉक्टरों ने अपने पास में से 6 खून की बोतलें लगा के इसको होश में लगाया। अब होश में आया तो कहने लगा, थोड़ा खून और निकाल लो जी। ओ भाई साहब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मस्त हो गया। और आप बताइए, आप अपना 15 अगस्त कैसे मनाते हैं? हम तो मना लेंगे, लेकिन आपके अंदर वो अंग्रेजों वाली हरकतें आ रही है, सीधे बैठो, कब से इधर उधर पड़े जी। ये मेरा स्टाइल है और रघुपुर स्वामी का। और आप बताइए मैडम, आप अपना 15 अगस्त कैसे मनाते हैं? मैं 15 अगस्त वाले दिन फॉरवर्ड मैसेज आगे फॉरवर्ड करती हूँ। तो मैम, आप भी आगे फॉरवर्ड हो जाइए जी। लास्ट में आप, हम जानना चाहेंगे अपने राजनेता से कि आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, आप देश के सेवक हैं। हम देश के सेवक नहीं हैं। फिर देश के लोगों के सेवक हैं। हम देश के लोगों के सेवक नहीं हैं। फिर आप इस संविधान के सेवक हैं? नहीं नहीं, संविधान के सेवक भी नहीं। और आप किसके सेवक हैं भाई साहब? हम सिर्फ उसके सेवक हैं जिसने हमें टिकट दी है, जिसने हमें ये कुर्सी दी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये देखिए, ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, और ऐसे राजनेताओं पर भी थूकता है भारत। आप थूकते तो हम है तुम पर, ये ऐसे ऐसे कटिया लोगों के साथ बटा दिया। ये जिसके अंदर जान नहीं है वो मोटी सी लेकर बटा दिया। हमारी मंत्रियों को इज्जत नहीं है, थूकता है भारत तेरे पर। अरे भाई साहब, आपने हमें इसे बुलाया क्यों है? अरे हमें औरतों से जानी चाहिए, औरतों से जानी चाहिए। आपने अपने शो में ऐसी औरतें बुला रखी है, हमें इससे जानी चाहिए। हमें बचाओ, हमें इंकलाब, ऐसी औरतें चाहिए, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। चुप, सब लोग चुप। कम से कम आज के दिन तो शांति बना के रखो। कहां हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं और कहां आप इस तरह की डिबेट को कहां तक लेके जा रहे हो? बस करो दोस्तों, बस करो। तो मेरी आप सबसे और आप एंटरटेनर से रिक्वेस्ट है कि आज इस आजादी के दिन पे रेजोल्यूशन लो, जो मैं पहले बात कर रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, जो चीजें ठीक है उन्हें ठीक रखो और जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करो। इस तरह के किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म में अननेसेसरली एंगेज नहीं होना किसी ने भी। तो दोस्तों, इस शो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस बार आजादी पे मिट जाएं सब वैर विरोध, सबको मिले अधिकार बराबर, ना हो कोई कमजोर। वाह सर, आओ मिलकर इस देश पे हो जाएं फना और बन जाएं हम भी सरफरोश। कल गुजरो कुछ ऐसा के नाम गूंजे तुम्हारा चारों ओर, उदय हो नए भारत का, उम्मीदें लेकर आए भोर, दूर करें निराशा को हम मन में भर के देश प्रेम का जोश, हर मैदान फतेह करें, परचम लहराए चारों ओर, पूरी दुनिया में नाम गूंजे,
भारत माता का हो जय घोष।